नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मोटो ने अपने दो डिवाइसेज नए लॉन्च कर दिए हैं मार्केट के अंदर, मोटो E4 और E4 प्लस। और ये हमारे पास है मोटो E4। सो इसकी प्राइस जो रखी गई है वो रखी गई है 9,000 रुपये, जो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी बिल्ड काफ़ी अच्छी रही लग रही है मुझे डिवाइस की। मैं इसके बिल्ड पर आता हूँ तो मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में, ईयरपीस, अलग अलग सेंसर, फ्रंट की फ्लैश और LED नोटिफिकेशन है या नहीं ये नहीं पता। उसके नीचे में मिलता है 5 इंची का HD डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 720x1280 और ये 2.5D कर्व ग्लास से कवर्ड है। उसके नीचे में मिलता है ऑन स्क्रीन बैक कीज और उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर और होम बटन जो प्रेसेबल नहीं है, नॉर्मल है पर काफ़ी अच्छा लगता है। और जब हम इसके नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिलता है माइक्रो USB पोर्ट और उसके साथ में एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ आते हैं तो मिलता है 3.5 mm ऑडियो जैक और राइट साइड में आते हैं तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर लॉक की जो हैप्टिक फीडबैक देते हैं वो मेटल के बने हुए हैं। बैक पैनल में आते हैं तो क्रोम एंटीना लाइंस मिलती हैं, नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है दूसरा, और सर्कुलर फील के अंदर हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और डुअल LED फ्लैश, मोटो का लोगो और बैक का स्पीकर जो ठीक है। पूरा फ़ोन मेटल का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है 9,000 रुपये के अंदर। और इसके अंदर जब UI पे आता है मिलता है एंड्रॉयड 7.1.1 जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड गूगल की तरफ से। 2 GB रैम में से हमें मिलता है 9.97 फ्री और 16 GB में से मिलता है 9 GB के आसपास फ्री। और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट अलग से दिया हुआ है और 2 SIM भी अलग से डाल सकते हैं, तो हाइब्रिड का कोई चक्कर नहीं है। बैक पैनल मैं रिमूव नहीं कर पाया इसके अंदर क्योंकि वो लॉक था किसी तरीके से। और कैमरा UI पे आते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, सिमिलर ये E4 और E4 प्लस का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। यहाँ से रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं और जो वीडियो मोड है वो 720 तक ही बनाता है, 1080 बना नहीं सकता और 4K भी बना नहीं सकता क्योंकि इसका प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता। कैमरा ठीक है, थोड़ा सा लैगी लगा मुझे इस वाले फ़ोन के अंदर, E4 प्लस में थोड़ा सा फास्ट था। आई डोंट नो कुछ हार्डवेयर का इशू होगा, रैम वैम का इशू होगा क्योंकि उसमें 1 GB रैम फालतू भी है। और बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं सर कलर कंपेरिजन बना नहीं पाया क्योंकि उनके पास 2 ही डिवाइस थे, तो मुझे नहीं पता किस तरह से वो बेचेंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू।